दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव हुए हैं। कौन है वो तीन खिलाड़ी जिन्हें मिली है टीम में जगह और कौन होगा प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का घमासान जारी है। पांच मैचों की सीरीज में से दो मैच खेले जा चुके हैं। अब तीसरा मैच 25 अगस्त से लीड्स के मैदान पर खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिर्फ एक खिलाड़ी ने अपने दम पर यह मैच नहीं जिताया, बल्कि इस जीत में पूरी टीम का हाथ है। बावजूद इसके टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में तीन बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरेगी। बात करें पहले बड़े बदलाव की, तो पहले और दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बस एक ही स्पिनर को जगह दी थी। सीनियर खिलाड़ी अश्विन को बाहर कर जडेजा ने दोनों मुकाबले खेले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जडेजा जैसे खिलाड़ी इन मैचों में कुछ खास नहीं कर सके। रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल करने का मकसद पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इस टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा न तो एक विकेट ले पाए और न ही कोई बड़ी पारी खेल पाए। जडेजा की सीधी गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उल्टा जडेजा की गेंद पर रन बन रहे थे। तीसरे टेस्ट मैच में जडेजा की जगह रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया जा सकता है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अश्विन ने गेंद के साथ साथ बल्ले से भी चेन्नई टेस्ट में शतक जड़ा था। इंग्लैंड के बल्लेबाज अश्विन के सामने कमजोर दिखाई देते हैं। अश्विन की बॉलिंग में ज्यादा वेरिएशन उन्हें प्लेइंग 11 का टिकट दिलाने में काफी है। दोस्तों, वहीं बात कर ले दूसरे बड़े बदलाव की, तो पुजारा भी इंग्लैंड दौरे पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अब तक खेले गए दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में कुल 70 रन बनाए हैं। ऐसे में उनकी जगह पृथ्वी शॉ को टीम में शामिल किया जा सकता है। बात करें तीसरे बड़े बदलाव की, तो अजिंक्य रहाणे का बल्ला भी सीरीज में खामोश रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दो टेस्ट मैच की तीन पारियों में मैच 67 रन ही बनाए हैं। ऐसे में उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को तीसरे टेस्ट में शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करके टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे में टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी। तो दोस्तों, ये हैं वो तीन बड़े बदलाव जो तीसरे टेस्ट मैच में देखने को मिलने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।